हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर जी मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि है पार्ट टाइम जॉब का रेज्यूमे। तो जी मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने आप सभी से पूछा था कि भाई टॉपिक्स बताओ जिसके ऊपर आप देखना चाहते हो वीडियोज़। तो जी सबसे ज़्यादा जो लाइक्स आए थे इसी टॉपिक के ऊपर या इसी कॉमेंट के ऊपर आए थे कि भाई रेज्यूमे फॉर पार्ट टाइम जॉब बताओ एंड पार्ट टाइम जॉब्स इन जनरल। तो जी इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ जी रेज्यूमे कैसे बनाना है एंड ये वाले रेज्यूमे के साथ मुझे जी 2 से 3 दिनों के अंदर ही जॉब लग गई थी। आपकी भी लग सकती है विद इन अ वीक, क्योंकि जी बहुत ही पावरफुल रेज्यूमे होने वाला है ये वाला। तो जी अगर आप 12th के बाद आए हो या डायरेक्टली बैचलर्स के बाद आए हो, आप भी बड़े कंफ्यूज होगे क्योंकि कभी भी आपने रेज्यूमे बनाया नहीं होगा, तो बहुत ही लोगों के साथ ये सब होता है। तो जी इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताने वाला हूं कि क्या क्या जो एम्प्लॉयर है वो मांगता है एंड क्या क्या रेज्यूमे के अंदर होना चाहिए एंड कैसे आपका रेज्यूमे आपको जॉब जल्दी से जल्दी लगा सकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स जो है वो आपको तो नहीं जानते, तो जो रेज्यूमे में लिखा होगा उसी से वो आपको जज करेंगे एंड ये सोचेंगे कि वेदर इस बंदे को हायर करना है या नहीं। तो जी बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैल्यू आपको मिलेगी एंड मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करना। तो जी अब चलता हूं मैं कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। तो जी मैं हूँ डायरेक्टली अपने रेज्यूमे के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये है जी आपका नाम। सो ऑब्वियसली आपका नाम बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नाम लंबा है, जैसे मेरा नाम गुरसिमरन सिंह है, तो गोरे काले चाइनीज़ वो हमारा नाम, जो इंडियंस का नाम होता है लंबे नाम स्पेसिफिकली, वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप उनकी लाइफ इजी कर दोगे, अपना शॉर्ट फॉर्म दे दोगे तो बढ़िया रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गुरी के नाम से जाना चाहता हूँ, तो जी कि जैसे यहाँ पे योर नेम लिखा हुआ है, आप गुरी गुरसिमरन सिंह कर सकते हो। इससे ये पता लगता है कि एप्लीकेंट को इस नेम से बुला सकते हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर जो है वो आपका नाम ही नहीं ले पाएगा तो वो आपको हायर भी नहीं करेगा। ये एम्प्लॉयर की मेंटालिटी होती है। उसके अलावा जी आपको कनेडियन फ़ोन नंबर देना होता है, एज वेल एज ईमेल एड्रेस एंड लोकेशन देनी भी ज़रूरी होती है अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। अगर जी आप वॉक इन कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट बंदे के पास जाके बोल रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए, तब मे भी आपको लोकेशन की ज़रूरत ना हो, बट अगर आपने लिखी है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उससे पता चलता है कि बंदे की प्रेफर्ड लोकेशन क्या है। उसके अलावा जी आपको सबसे पहले देनी होती है स्किल्स की समरी। अगर आप एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसको कुछ एक चीज़ें क्राइटेरिया चाहिए होती है जो एक रोल के अंदर फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर आप वो डायरेक्टली सबसे पहली लाइन के अंदर ही लिख दोगे तो जी उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर मोस्टली उन्होंने लिखी होती है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसी को तोड़ मरोड़ के इसी के अंदर आपको डाल देना है, जिससे उनको डायरेक्टली पता चल जाए कि यू आर अ वेरी गुड फिट। लेट्स से अगर हम कस्टमर सर्विस या कैशियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मिनिमम वेज है और जल्दी ईजिली मिल जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली, आपको आपकी फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो कि मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, तो उसकी वजह से अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको भी पता है कि कनाडा इज़ अ वेरी मल्टीकल्चरल कंट्री, तो बहुत ही इंडियंस आते हैं और इंडियंस जो है पैसे वाले भी होते हैं और खर्च भी ज़्यादा करते हैं, तो उनको बढ़िया रहता है कि अगर पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हो तो दैट इज़ अ गुड स्किल टू हैव। उसके अलावा जी टीम वर्क, क्योंकि जी मोस्टली आप टीम के अंदर काम करोगे तो उनको पता होना चाहिए कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो, आप टीम बिल्डिंग के अंदर विश्वास रखते हो एंड आप कस्टमर्स के साथ बढ़िया रिलेशन बना के रखोगे, तो इसलिए ये वाला स्किल यहाँ पे रखा है। मनी मैथ स्किल, क्योंकि जी कैशियर, अगर हम बात करते हैं कैशियर की या टिल के अंदर या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको टिल या पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम चलाना पड़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल के रखी हुई है। सिमिलर टू दिस, आप जिस भी पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड स्किल्स आप रेज्यूमे के अंदर डालना। मैं तो आपको बोलूँगा कि भाई मल्टीपल तरीके के रेज्यूमे बनाना, जैसे ये है कैशियर और कस्टमर सर्विस सेंट्रिक, फैक्ट्री वर्क कर रहे हो या सिक्योरिटी कर रहे हो उसके अंदर ये वाला नहीं चाहिए होगा, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो या कुछ और स्किल इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जी एडिशनल स्किल्स जो सारे एम्प्लॉयज ढूंढते हैं वो होते हैं कि बंदा पंक्चुअल है, अडेप्टेबल है, एज वेल एज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू कैरी हैवी आइटम्स, क्योंकि जी जो ये जॉब्स होती है उसके अंदर आपको कोई ना कोई सामान उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेस्ट बाय के अंदर जाते हो या वॉलमार्ट के अंदर, तो इट इज़ पॉसिबल, या कैशियर हो तो इट इज़ पॉसिबल कि वो बोलेंगे कि आपको भाई 5-10 किलो का सामान उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप
आटे की बोरी उठानी है, प्रायोरिटाइजेशन, मल्टीटास्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे जो स्किल्स होते हैं ये एम्प्लॉयर को चाहिए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपको चलाना आता ही होगा, तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्किल, क्योंकि जो कनाडा के अंदर लोग होते हैं सभी को नहीं आता। सो दिस इज़ समथिंग जो लोगों को नहीं पता होता कि उनके यहाँ स्किल है, बट दैट इज़ एक्चुअली अ स्किल एंड जो एम्प्लॉयर्स है वो वैल्यू करते हैं इस स्किल को। उसके अलावा जी फिर आपको देनी होती है आपकी एजुकेशन की डिटेल्स कि भाई आप कनाडा के अंदर कौन से कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो, कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी एंड कौन से डेट से डेट। उससे जो एम्प्लॉयर है उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये पर्सन जो है एटलीस्ट एक साल, दो साल, तीन साल, जितना भी आपका कोर्स है वो मेरे पास रहेगा एंड लॉन्ग टर्म का वो सोचेगा। जो आपने इंडिया से ग्रेजुएशन की हुई है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस मत करना क्योंकि आप अपनी फील्ड जॉब नहीं ढूंढ रहे, आप मिनिमम वेज जॉब ढूंढोगे कि जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल जाए। उसके लिए कोई एजुकेशन एक्चुअली में चाहिए नहीं होती, बस हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आ जाते हैं जी एक्सपीरियंस के ऊपर। अब आप बोलोगे भाई कि मैं तो 12th से आया हूँ या डायरेक्ट बैचलर्स किया है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास भी ये वाला एक्सपीरियंस नहीं था। तो जी थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस तो बनाना ही पड़ेगा। जो एम्प्लॉयर होता है उसका माइंडसेट ये होता है कि अगर एक बंदे के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो उसको ट्रेनिंग में कम टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ जी कि कैसे कैसे आप एक्सपीरियंस को बना सकते हो। तो जी कैशियर की बात करते हैं। अब रिलायंस फ्रेश या रिलायंस मॉल या कोई भी आप आउटलेट जो है वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ही जेनरिक है। अब मुझे नहीं पता थी कि ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे कि कैशियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आपको सही लगती है वो डाल सकते हो। अगर आपको ये कॉपी करनी है तो आप ये भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो बेसिकली उनको बताना होता है कि भाई आपने क्या क्या किया है या आप कर सकते हो, क्योंकि कर सकते हो इज़ अ की, क्योंकि कोई भी इंडिया में कॉल करके पूछेगा नहीं आपके रेफरेंसेस। सिमिलरली जी सैंडविच आर्टिस्ट, तो आई होप जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने सबवे सैंडविच तो खाए होगा, तो उनको आइडिया तो हो गई कि सबवे सैंडविच वाला जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है। तो वही सारी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई पर्सन है वो असेंबल करता है सैलेड सैंडविचेस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर स्पेसिफिकेशन एंड एक्सलेंट कस्टमर सर्विस। तो आपको कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस देना है क्योंकि आप अप्लाई ही कस्टमर सर्विस के लिए कर रहे हो। इसके अलावा जी फूड हैंडलिंग एंड सेफ्टी एंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है फॉर फूड प्रेप, एज वेल एज जी सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिनेस ऑफ द रेस्टोरेंट, क्योंकि जी फूड जो है यहाँ पे बहुत ही रेगुलेटेड माना जाता है एंड सैनिटाइजेशन इज़ अ मस्ट एंड फूड सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑडिट्स वगैरह भी होते हैं। अगर आप ये सब लिखोगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपको सबवे के अंदर, मैकडोनल्ड्स के अंदर, यू नो बर्गर किंग के अंदर, जो भी खाने पीने की आइटम्स होती है पॉपाइज वगैरह, वहाँ पे आपको जॉब लग ही जाएगी। तो ऐसे आप एक्सपीरियंस जो है बना सकते हो। एंड फिर जी अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते तो आप वॉलंटियर एक्सपीरियंस डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जी मैंने डाला है वॉलंटियर एक्सपीरियंस गुरुद्वारे का। तो जी गुरुद्वारे या जो टेंपल्स है, हिंदू टेंपल्स हो गए या चर्चेस हो गए, वहाँ पे तो लोग जाते ही हैं, उनको आइडिया होता है कि वॉलंटियर्स वहाँ पे क्या करते हैं, कई लोगों ने किया भी होगा। तो वही सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है विच इज़ बींग ट्रुथफुल। तो जी इसके अंदर जैसे फूड सॉर्टिंग करनी है, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल फूड डोनेशंस का, जो डोनेशंस आती है उसका, फिर फूड प्रेप करना, क्लीनिंग, डिश वॉशिंग एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेवा होती है लंगर की, राइट, वो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, विच इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर टू वॉट अ सबवे सैंडविच ऑल्सो डज। तो जी उसके अलावा आपको अवेलेबिलिटी देनी होती है कि कब कब आप अवेलेबल होंगे। आप एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि भाई एम्प्लॉयर ने अगर स्केड्यूलिंग करनी है वो देखेगा कि अच्छा इस टाइम से इस टाइम तक मुझे बंदा चाहिए, तो कौन सा रेज्यूमे जो है वो मैच कर रहा है। एंड अगर आप ओपन टू नाइट शिफ्ट हो गए दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जी यहाँ पे जो होते हैं काफी रेस्टोरेंट्स 24 आवर्स चलते हैं एंड उनको नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एज वेल एज मॉर्निंग शिफ्ट वाले 3-4 शिफ्टें होती है यहाँ पे, 8-8 आवर्स की, 4-4 आवर्स की भी होती है। तो अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अवेलेबिलिटी दोगे तो जी आपके चांसेस जो है हायर होने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड उनको भी पता होता है कि 20 आवर्स चाहिए, तो 20 आवर्स इज़ नथिंग फॉर द एम्प्लॉयर्स। जो लोग होते हैं वहाँ पे 40-50-60 आवर्स भी करते हैं जो फुल टाइम कर रहे होते हैं काम। तो जी इस तरीके से आप आउटस्टैंड कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो तो ये वाला रेज्यूमे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक डाल के रखा हुआ है। उसके लिए जी दो रिक्वायरमेंट्स है कि आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके साथ आप लिंक को अवेल कर सकते हो एंड डाउनलोड कर सकते हो ये वाला रेज्यूमे। तो जी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको ये वाला रेज्यूमे कैसा लगा। मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता हो कि क्या क्या रेज्यूमे का फॉर्मेट है एंड सभी की जॉब बहुत ही जल्दी लग जाए।
Thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.